नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं घुटनों में होने वाले दर्द के बारे में। तो घुटनों में होने वाले दर्द की कई कई कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हमें घुटनों में दर्द शुरू होता है। और जैसे कि हम देखते हैं थे, जैसे भी हमारा एज क्रॉस कर लेता है 30 या 35, फिर उसके बाद में अक्सर सा ये घुटनों में समस्या पाई जाती है। अब तो ये टीनेजर्स में भी आने लगा है, कहीं पे भी उनको चोट लग जाती है घुटने में, उसकी वजह से भी उनको पेन आता है। तो ये जो दर्द है ये तो कम हो जाएगा, इसके लिए आपको एक्यूप्रेशर थेरेपी और साथ ही साथ आपको नेचुरोपैथी थेरेपी से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो घुटनों के दर्द के लिए आपको, हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में जो मिडल फिंगर है हमारा, मिडल फिंगर की ये जो हमारा बीचों बीच में जो दिख रहा है, इसको हम कॉर्नर में, दोनों साइड के ये कॉर्नर में, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे 2 मिनट तक के प्रेशर दीजिए। ऐसे 2 मिनट तक के प्रेशर देंगे तो हमारा जो घुटनों का दर्द है वो कम हो जाएगा। तो ये जो मिडल फिंगर है ये राइट लेग शो करती है, और ये मिडल फिंगर के लेफ्ट हैंड साइड में जो फिंगर है ये हमारा शो करती है लेफ्ट लेग। तो इसको भी हम सेम चीज़ करेंगे। अगर दोनों पैरों में है तो आप दोनों पैरों में प्रेशर पॉइंट्स दबाइए। इसके अलावा साथ ही अगर मेथी के बीज होंगे आपके, यहाँ मेथी की सीड्स होंगी, तो ये यहाँ पे पेपर टेप की हेल्प से यहाँ पे आप लपेट सकते हैं और उसको आधे घंटे बाद दबाते रहिए। आपका जो घुटने का पेन है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा।